अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम है आप सबका एक न्यू फूड ब्लॉग के अंदर। तो आज आपका भाई मौजूद है गुजरात शहर के अंदर उस फूड स्ट्रीट के अंदर जो कि सुनने में पूरी रात चलती रहती है। अगर बात की जाए लोकेशन की तो ये मौजूद है फौरा चौक से लेकर प्रॉपर आगे जेल चौक तक है। जो आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई एक चीज़ ट्राई नहीं करेंगे हम, तीन चार डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे जो कि इस रोड पर मेन और सबसे जिसकी ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलेंगी इधर लोकल लोगों से, और वो चीज़ें ट्राई करेंगे। तो आई थिंक बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, फूड हंटिंग शुरू करते हैं और जो चीज़ें खाते हैं वो आपको फिर दिखाते हैं क्या सीन है। आपके भाई ने पहला स्टे कर दिया है इस रोड के ऊपर। जो सबसे पहली जगह आपके भाई को मिली है वो है अलकरम फ्रूट चाट। तो चले इसे खाते हैं, टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप सबको क्या जायका है इसका, क्या रिव्यू है। जी हाँ, तो गाइस आपके भाई के पास ये फ्रूट चाट आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ट्राई करते हैं इसे कि क्या टेस्ट है इसका। रेटिंग्स की बात करें तो मेरी तरफ से 8 out of 10 मार्क्स हैं। अच्छी चीज़ है, खाने वाली चीज़ है। अगर आप गुजरात में हैं तो दिल करें तो विज़िट करना, वरना इतना हाफ रिकमेंडेड चीज़ नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। तो जी हाँ गाइस, आपके भाई ने दूसरा शॉप किया है वफ़ल आइसलैंड। आइसक्रीम की एक शॉप है, इसके साथ एक और भी आइसक्रीम है, लेकिन सबसे अच्छी आइसक्रीम इस स्टोर पर वफ़ल आइसलैंड वालों की है। तो ये कप आपके सामने मौजूद है। तो ये काफ़ी रिकमेंडेशन मिले थी इसकी कि आइसक्रीम अच्छी है, तो टेस्ट करते हैं इसे और आपको बताता हूँ क्या सीन है, क्या चक्कर है। अच्छी और मज़े की चीज़ है वनीला आइसक्रीम है गाइस। बेसिकली उसके ऊपर पर ओरियो को क्रश करके डाला गया हुआ है, उसके साथ स्प्रिंकल्स वगैरह और साथ उसके वेफर वगैरह रखा गया हुआ है, जिसको वो मिलकर एक पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त सीन क्रिएट कर रही है। कहने के जिस तरह आज जैसे गर्मी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा रही और फुल हैवी सीन क्रिएट हो रहा है इस आइसक्रीम का। रेटिंग्स की बात करें तो 10 out of 10 है। तो मिलते हैं अगले फूड पॉइंट पर गाइस। आपका भाई तीसरा जो फूड पॉइंट है वो है कराची बर्गर पॉइंट, जो इस रोड पर सबसे वन ऑफ द बेस्ट बर्गर है इनके। तो जब मैं ये विज़िट ज़रूर है बहुत ही मज़े का, आपका भाई पहले एक आधा खा चुका है। तो सबसे पहले इन्होंने तीन किस्म के सॉसेज दी हैं, एक टमाटो का जब है और एक पता नहीं जो बंद हुआ आपके साथ कराची में सॉस मिलता है पूरा साथ मारा दी है। तो ट्राई करते हैं टेस्ट का। एक प्योर पूरा अंडे वाला बर्गर है गाइस, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अंडे वाले बर्गर के साथ तो बचपन से ही एक लव है आपके भाई का। तो रेटिंग्स की बात करें तो 9 out of 10 अगर अंडे वाला बर्गर देखा जाए, जिसे कराची में आप बंद कबाब भी कह सकते हैं, अंडे वाला बर्गर भी कह सकते हैं। चलते हैं किसी और फूड पॉइंट की तरफ। तो जी गाइस, आपका भाई मौजूद है ऐसा तारक वाटर सोडा वालों के पास या तारक सोडा वालों के पास। ये आपके भाई का आज का आखिरी पॉइंट है, ठीक है, इस ब्लॉग का। तो इतना कुछ खाने के बाद इस चीज़ों को हजम करने के लिए आपका भाई ये पिएगा सोडा है, लेमन सोडा है बेसिकली। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लेमन सोडा हजम करता है चीज़ों को, और बात की जाए इनके सेटअप की तो सबसे ज़्यादा रश गाइस पूरे गुजरात शहर में सोडा वाले के पास होता है। बड़ा हैवी सा सीन होता है, कुछ कुछ कार्य बोलते हैं बोलते हैं उसके बाद, और भी इसके पास जो पाइन एप्पल फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर और ऑनली एप्पल फ्लेवर भी मौजूद होता है, और मिंट मार्गरेटा वगैरह भी सेव करते हैं। तो अगर आपके भाई का मूड नहीं था तो सिर्फ आपके भाई ने लिया है लेमन सोडा, इसे पिएंगे और आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। टेस्ट की बात आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। जैसे एक आम नींबू पानी घर में बना के उसके अंदर स्प्राइट वगैरह ऐड कर ली जाए
तो आपको भाई इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट मस्ट है। वीडियो को जितना हो सके अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं जल्द से जल्द किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।